हमरा तो लागत है कि सबसे पहले विधायक जी बहुगा हो जौन विधायक जी कहले बारन तो उनका तो लमहर महुआ के होना वो महुआ हो गए तब तो सब लोग का महुआ कह दलन पूरा विधायक के महुआ कह दलन कौन तो हमरा तो लागत है कि विधायक बन के गल बा क्षेत्र के मदद कर जनता के मदद कर तो बाहुबली है चोर चुहार नु महुआ चोर चुहार नु विधायक एम पी ना बनेला जो बन के गल बा तो महुआ ना हो तो जो कहले बा तो सबसे बड़ा महुआ हो ब्याज सिंह कमजोर पढ़ियन तब न सुधीर रही है तो ब्याज सिंह खुदे मजबूत आदमी हम तो सुधीर के भी जरूरत नहीं है। अगर बिहार के जनता को अगर सही सलामत रखना है तो सबसे पहले जातीय जनगणना को समाप्त कर देना होगा। कमजोर और बाहुबल कमजोर और मजबूत एक समान देखना होगा, बिल्कुल एक समान। जो 18% है, जो 17% है, जो 14% है, जो 0% है, जो 1% है, जो 3% है, सबको एक बराबर देखना होगा। वही सरकार आगे जाएगी और उसी को बिहार की जनता समर्थन देगी। भारत जो है हिंदू देश है और ये कभी भी रहेगा। यहाँ पर मुस्लिम भी जो हमारे भाई मित्र हैं वो बसते हैं, हम लोग उनका सम्मान करते हैं। ये पहला ऐसा कंट्री है कि यहाँ पर कोई ऐसा काम नहीं होता है। इंडिया गठबंधन मतभेद कराना चाहती है, जातीय समीकरण, जातीय समीकरण से देश चलेगा, देश में भेदभाव होता है। तो बताइए, हमको जवाब दीजिए, जिनकी संख्या अगर 0% है उनको तो सभी लोग दबा देंगे, वो तो बहुत कमजोर हो जाएंगे। तो इंडिया गठबंधन के नेता इसका जवाब दे कि उनके लिए क्या योजना और परियोजना है। क्या उनके लिए आरक्षण की मांग करेंगे जो 0% में संख्या है, जो 1% में संख्या है, जो 2% में संख्या है, जो 3% में, क्या उनको आरक्षण मिलेगा? बी ए बी कॉम बी एस सी एम ए एम कॉम करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स डीएवी पीजी कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। एम्स नई दिल्ली व सफदरजंग नई दिल्ली के सीनियर डॉक्टर अब आपके शहर सिवान में। डॉक्टर उमेश नवजात एवं शिशु रोग विशेषज्ञ, चिकित्सा पदाधिकारी सदर हॉस्पिटल सिवान। डॉक्टर उमेश जो आपके बच्चों का कर रहे कुशल व बेहतरीन इलाज। सुशीला देवी हॉस्पिटल, डॉक्टर उर्मिला अखौरी के सामने, हॉस्पिटल रोड सिवान। मोबाइल नंबर 9199720654 और 7250722154। नमस्कार, हम रोहित रोवा देखा तनी मैच बॉक्स। अभी मैच बॉक्स के टीम बगावड़ा मौजूद भी आज जहाँ पर युवा दिलों के धड़कन युवराज सुधीर सिंह जी के स्वागत वही बटे और ये जी के जितना भी युवा लोग बटे काफ़ी पुरजोर तरीके से स्वागत भैल बटे और हमेशा से युवा लोग के प्यार दुलार मिलत रहल बटे। सुधीर जी सबसे पहले स्वागत करते हैं चैनल का। रोवा धन्यवाद बा मैच बॉक्स। एक प्लान कैसे पढ़ने आए के प्लान का ची बनावे के बा हमारे गार्जियन के घर घर से रिश्ता रहल बा। इसमें प्लान का चीज के बा, हमने के उनका औलाद है सर। हमारे गार्जियन ने जब संबंध बनैले बनी, हम अपन संबंध वही गार्जियन लोग के औलाद से बनावे आई बनी। आ सब लोग से हम भेंट मुलाकात करत रही जो ऐसा देखे नु कि रोका कॉले वाली की सारण कमिश्नरी में हम कहीं से चुनाव लड़ सकत नहीं तो कहीं तारावदा से लड़े के पुटे देखे नु रुक देखी। ये बात हमरा के राजे रहे दी लेकिन हमरा ऐसा कोनो बात नहीं के अभी हमने के जो मकसद में बानी सन दौरौधा में हमारे गार्जियन बारन बर भाई ब्यास सिंह जी उंगरा के हम बड़का भाई बने ली और वहाँ के जगह विधायक बारन हमारा परिवार से बढ़िया संबंध बा। आज यहाँ के समर्पित विधायक बारन तो फिर सुधीर अगर ब्यास सिंह कमजोर पढ़ियन तब न सुधीर रही है तो ब्यास सिंह खुदे मजबूत आदमी हम तो सुधीर का भी जरूरत नहीं है। अच्छा, लगातार इंडियन आइस गठबंधन जातिगत जनगणना के बात कहती है, कहती है कि जातिगत जनगणना से बहुत कुछ का पता चल जाए। आखिर में जातिगत जनगणना से बीजेपी का है? देखिए कारण क्या है बताते हैं। बिहार ग्रसित है जातिवाद से, देश ग्रसित है जातिवाद से। इंडिया गठबंधन जो है अगर ये बात कहती है तो आपको अपने पर विश्वास नहीं है, आपको अपने काम पे विश्वास नहीं है, आपको अपने विकास पे विश्वास नहीं है। अगर काम पे विकास पे विश्वास होते तो आप कभी भी जातिगत, हमारे जो प्रधानमंत्री हैं आदरणीय मोदी जी उनका अपने काम पे और विकास पे विश्वास है, वो जातिगत की बात तो नहीं करेंगे। भारत जो है हिंदू देश है और ये कभी भी रहेगा। यहाँ पर मुस्लिम भी जो हमारे भाई मित्र हैं वो बसते हैं, हम लोग उनका सम्मान करते हैं। ये पहला ऐसा कंट्री है यहाँ पर कोई ऐसा काम नहीं होता है। इंडिया गठबंधन मतभेद कराना चाहती है, जातीय समीकरण से
देश चलेगा, देश में भेदभाव होगा। तो बताइए, हमको जवाब दीजिए, जिनकी संख्या अगर 0% है उनको तो सभी लोग दबा देंगे, वो तो बहुत कमजोर हो जाएंगे। तो इंडिया गठबंधन के नेता इसका जवाब दे कि उनके लिए क्या योजना और परियोजना है, क्या उनके लिए आरक्षण की मांग करेंगे जो 0% में संख्या है, जो 1% में संख्या है, जो 2% में संख्या है, जो 3% में, क्या उनको आरक्षण मिलेगा? अगर आरक्षण देते हैं तो हम लोग समर्थन करते हैं इंडिया गठबंधन की बातों को, तो उसमें हम लोग भी आते हैं, स्वर्ण समाज के लोग भी आते हैं कि जिनकी संख्या 5% के नीचे है तो हम लोग को भी आरक्षण मिलना चाहिए ना। हमारे भी बच्चे हैं, जरूरी है कि सब लोग अरबपति या करोड़पति है, बहुत सारी हमारे भी समाज में गरीबी है, तो उनको इंडिया गठबंधन अगर देती है आरक्षण तो हम लोग इंडिया गठबंधन का समर्थन करते हैं। लेकिन वो तो अपने जाति का राजनीति कर रहे हैं, और जाति का राजनीति करने वाले देश चलाएंगे। मोदी जी समाज का विकास करते हैं, हिंदू का विकास करते हैं, हम लोग उसी दल में गए हुए हैं। मेरे बड़े पिताजी पूर्व सांसद प्रभुनाथ बाबू शुरू से ही जदयू के समर्थक रहे हैं, 14 साल का वनवास समाप्त हुआ है, हम लोग नीतीश कुमार जी के समर्थन में हैं, चिराग जी के समर्थन में हैं, मोदी जी के समर्थन में हैं। अच्छा, लगातार चिराग जी पार्टी से हट के बयानबाजी करते नहीं, तेजस्वी यादव कहते रहे कि भाजपा के तीन गो भाजपा के संपर्क में तीन जना बालो ठीक है हमसे पार्टी में। जब भी चुनाव आता है तो तरह तरह का स्टेटमेंट आता है, 2025 में चुनाव होने वाला है, कभी चिराग जी बोलेंगे तो कभी तेजस्वी जी बोलेंगे, ये तो आप भी जानते हैं, आप भी समझदार हैं, ये तो नेतागिरी है। लेकिन चिराग जी समर्पित है मोदी जी के लिए, तेजस्वी जी समर्पित होंगे अपनी पार्टी के लिए, चिराग जी एनडीए गठबंधन के लिए समर्पित हैं, और एनडीए गठबंधन ने उनको सम्मान दिया है, 5 वो MP उनके बनकर गए हुए हैं देश के, और उन सभी लोग उनके लिए समर्पित हैं। और ये सब अफवाह है, आप लोग के जरिए, मीडिया के जरिए अफवाह उड़ाई गई है, इसमें कोई दोषी नहीं। अच्छा, एगो विधायक जी बानी बिहार के ही बानी, कहते नहीं कि बिहार में जितना बाहुबली वालो वो लोग मऊगा आलो, बाहुबली तो नीतीश कुमार हुए हैं जो उनका कोनो था ठिकाना नहीं थे। हमें तो लगा था कि सबसे पहले विधायक जी मऊगा हुए, जो विधायक जी कहले बार तो उनका तो लमहर मऊगा के उड़ा, वो मऊगा हो तब तो सब लोग का मऊगा कह दलन, पूरा विधायक के मऊगा कह दलन, कौन तो हमारा तो लगा था कि जो विधायक बन के गल बाजे क्षेत्र के मदद कर रहे, जनता के मदद कर रहा, तो बाहुबली है, चोर चुहार नु मऊगा, चोर चुहार नु विधायक MP ना बनेला, जो बन के गल बा तो मऊगा ना हुई, तो जो कहले बा तो सबसे बड़ा मऊगा हुई। आ नीतीश कुमार जगह सब विधायक लोग बा लोग, सब विधायक लोग चुन के नु मुख्यमंत्री चुनला, तो नीतीश कुमार ऐसा बात नहीं है, बिहार में बाहुबल, बिहार में बाहुबली वो होते हैं जो समाज की सेवा करते हैं, जो समाज के लोगों का मदद करते हैं, अपने पैकेट से सरकार का फंड का इंतजार नहीं करते हैं। बाहुबली पिक्चर देखे हैं ना, उसमें बताइए ना, एक फिल्म बनी है बाहुबली, उसमें कहीं देखे हैं कि चोर है कि चुहार है? वो लोगों के लिए लड़ता है, लोगों के लिए राज भी त्याग कर देता है। वो भी तो कहते हैं कि हम अपने अपनों के लिए लड़ते हैं, तो लड़े अपने के लिए लड़े, हम कहाँ मना कर रहे हैं, हमारे पार्टी की जैसे लड़ने वाला कोई है ही? लड़े लड़े, सब लोग अपने के लिए लड़ता है, जो भी है बिहार में, जितने भी बिहार के बड़े राजनेता है, सब लोग अपने के लिए। लेकिन ऐसा बात थोड़े है कि केवल अपना ही देखा जाता है, सबको देखा जाता है, उसी में सब लोग को देखा जाता है। बिहार में अगर देखा जाए तो जितने भी बड़े राजनेता है, चाहे मुरेठा बांधे, चाहे गमछी ओढ़े, चाहे फूल का गुलदस्ता ले, सब लोग तो कहीं ना कहीं ग्रसित है। मैं किसी के बारे में कुछ नहीं कहना चाहता हूँ, अगर बिहार के जनता को अगर सही सलामत रखना है तो सबसे पहले जातीय जनगणना को समाप्त कर देना होगा, कमजोर और बाहुबल, कमजोर और मजबूत एक समान देखना होगा, बिल्कुल एक समान, जो 18% है, जो 17% है, जो 14% है, जो 0% है, जो 1% है, जो 3% है, सबको एक बराबर देखना होगा, वही सरकार आगे जाएगी और उसी को बिहार की जनता समर्थन देगी। सुधीर भैया जिंदाबाद। हम भाई सबके धन्यवाद दे, हम हर मंच के जरिए, आज राजनीतिक मंच पे आइल बनी भाई, हर मंच के जरिए एक दिन क्रिकेट खेलत रहे हमने के, जितना युवा साथी रह लोग ऐसा बात ना रहे कि राजपूते का लेके खाली क्रिकेट कर रहा है, भुंजारे का लेके क्रिकेट कर रहा है, पंडित जी के क्रिकेट, हर कास्ट का, हरिजन, नोनिया,
अति पिछड़ा पिछड़ा सब कास्ट के लड़का हमारे साथ गलत रहे लोग वो मन से हम आगे बढ़नी और लड़का हमारे के ज्यादा तरह के सुधीर भैया कतना निष्पक्ष हवन कोई यूट्यूबर से मत पूछिए कोई चंद लोग बालोक भाई जो हमरों में बालोक उनकरों में बालो उन लोग का यह काम बा उन लोग का जलन बा ईसिया बा कि केहू आगे बढ़ता तो गरिया देवल के कुछ बोल देवल जे आगे बढ़ता वो अपना कर्म से बढ़ता आई भारत देश जौन हटे वो कर्म प्रधान देश है हमने के देहात में वो खिस्सा हमने के बाबूजी कह समार कि कर्म करे वाला के केहू रोक ना सकेला भाग में लिखल जौन बा रउआ अगर रउआ आगे अगर थरिया पड़ल बा तो जब तक हाथ ना बढ़ाए तो रउआ मुँह में जाई तो हाथ बढ़ावे के पड़ी तब मुँह में जाई हम अपन कर्म कर रहा बानी के हमरा के कौन रूप में देखता कौन नजर में देखता जे भी अगर गलत भी देखता तो ओकरो सम्मान बा आ जे नीमन भी देखता ओकरो सम्मान बा सब भाई सब के बहुत बहुत प्यार बा बहुत बहुत धन्यवाद बा।